खरगोन जिले में विगत दो वर्षों से जल आवर्धन और सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जिससे सड़कों पर बने गड्ढों से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों ने समस्या से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया। उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी रही। इसी के मद्देनजर बारिश की दस्तक से पहले जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने नगर पालिका परिसर में बैठक आयोजित की, जिसमें कार्य पूर्ण करने की बात पर चर्चा करते हुए कार्य को जल्द करने के दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान काम करने वाले ठेकेदार ने बताया कि 1 करोड़ रुपया बकाया है, फिर भी हम काम करने को तैयार हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो शहर में निर्माण कार्य चल रहा है उसमें केजी लेके आ सकते हैं, और साथ में जो है सीवरेज प्रोजेक्ट और पानी का जो प्रोजेक्ट चल रही है उसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए चर्चा हुआ है। और जो रोड अभी रेस्टोरेशन होना है उसको भी हमने सर्वे करेंगे अगले 10 दिन में। तो कुछ जो है यूडीसी बनाएंगे, कुछ सीवरेज वाले और कुछ जो है नगर पालिका निधि से बना के जो पब्लिक को असुविधा हो रहा है उसको जल्दी ठीक करेंगे। अब ये ठेकेदार भी मिले थे, वो बता रहे थे हमारा पेमेंट वगैरह भी रुका हुआ है, काम नहीं तो ज़्यादा फाइल्स नहीं है, 4-5 फाइल्स ही हैं, वो तो हो जाएगी, कोई इशू। ठेकेदारों की समस्या थी, इसमें कुछ पेमेंट को लेकर समस्या थी, दर स्वीकृति को लेकर समस्या थी, इसी विषय पे 2-3 विषयों पे हम लोगों ने मिलकर उनसे चर्चा करी, जिसका मैडम ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा और पेमेंट की समस्या को। पेमेंट नहीं मिला आप लोगों? हाँ, पेमेंट अभी काफ़ी समय से पेंडिंग आ रहा है। कितने समय से पेंडिंग आ रहा है? 4-5 महीने। काम रुके होंगे आपके? काम तो कर दिए हम लोगों ने, नए काम की स्वीकृति हो नहीं रही है। उस स्वीकृति के संबंध में हम लोग मिले थे, मैडम ने उसको जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह परिहार। भुगतान कितना बाकी होगा? भुगतान तो हम लोगों का करीब करीब 15 बिल बाकी है, और 15 बिल का टोटल एवरेज निकाले तो करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।